हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेल, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हेलो नेबर की एक और गेम की स्टोरी को, यानी कि हाइड एंड सीक। और अगर आपको पसंद है इस तरह का कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हेलो नेबर हाइड एंड सीक गेम हेलो नेबर 1 का प्रीक्वल है। इस गेम में हमें सिर्फ पीटरसन फैमिली के बारे में बताया जाता है कि कैसे मिस्टर पीटरसन की लाइफ में दुखों का पहाड़ टूट गया और वो कैसे एक गुस्सेल नेबर बन गए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, स्टोरी पता चलने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत थियोडोर पीटरसन के घर से होती है, जहां उसके दो बच्चे एरोन माया खेल रहे हैं और उसकी माँ डायन लंच बना रही है और मिस्टर पीटरसन फोन पे बात करने में बिजी हैं। ये सब देखकर मैं एक बात तो कह सकता हूँ, इनका परिवार काफी खुश है। एरन माया हाइड एंड सीक गेम को खेलने का फैसला करते हैं, जो गेम में अलग अलग काल्पनिक कैरेक्टर्स निभाते हैं और खेल के दौरान वो अपने घर को एक बड़े से जंगल में पाते हैं। ये इनकी इमेजिनेशन है। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम शुरू हो जाता है और मिसेस पीटरसन आती हैं और बच्चों को खाने के लिए टेबल पर जाने को कहती हैं। फिर वो सारे मिलकर खाना खाते हैं और एक साथ समय बिताते हैं, जैसे कि आज ही सबसे अच्छा दिन हो, ना जाने कल हो ना हो। अगले दिन एरन माया कॉप्स एंड रॉबर गेम को खेलते हैं, जिसमें माया चोर बनती है और एरन एक पुलिस वाला, जो हमको मेट्रोपॉलिटन सिटी में खेलते हुए दिखते हैं, जो कि पहले की तरह एक इमेजिनेशन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जो बड़े शौक से खेल रहे हैं। और फिर दोबारा से लंच टाइम हो जाता है और बच्चे सोचते हैं, हमारी माँ हमें खाना खाने के लिए बुलाने क्यों नहीं आई। फिर वो बच्चे टेबल पर प्लेट लगाते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं और अपने पेरेंट्स का इंतज़ार करते हैं, और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, जो ये बच्चे भी अच्छे से समझ जाते हैं। और अगले दिन एरन अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कोई भी फोन नहीं उठाता, जिसे वो सोचकर चिंतित हो जाते हैं और मन बहलाने के लिए खेलते हैं। फिर एरन वेट करते करते बोर हो जाता है और एक फायर फाइटर हेलमेट बनाता है और अपनी बहन को दे देता है, जिसको वो पहन लेती है, और एक नई गेम शुरू हो जाती है जहां उनकी इमेजिनेशन उनको जलती हुई सिटी में ले आती है, जहां माया अपने आप को फायर फाइटर मान के अपना फर्ज निभाती है। और गेम खत्म होने के बाद लंच दोबारा से शुरू हो जाता है और तभी घर का गेट खटखटाया जाता है, जहां हमको मिस्टर पीटरसन दिखाई देते हैं, जो घर में आते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे गले लगा लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ एक कार दुर्घटना में घायल हो गई और मैं सारा समय हॉस्पिटल के अंदर प्रार्थना करता रहा कि वो बच जाए, पर अफसोस की बात है वो हमारे बीच में अब नहीं है। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ गेम में भी देखने को मिलेगा। मिस्टर पीटरसन 3 प्लेट्स टेबल पर रखते हैं और खाते समय मिस्टर पीटरसन को डायन की याद आती है, जो फिर सारे के सारे उदास हो जाते हैं, जिसके बाद देर रात को माया अपने पिता को अकेला बैठे हुए देखती है, जो टीवी देखते देखते खर्राटे ले रहे हैं। फिर माया एरोन के रूम की तरफ जाती है और देखती है कि वो अपना गुस्सा जमीन पर निकाल रहा है, पर वो गिर जाता है और रोने लगता है, जिसको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। फिर माया एरोन के पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश भी करती है, पर उसे दूर धकेल देता है वो। फिर वो माया से खेलने को कहता है, जो अपनी इमेजिनेशन से सेमेट्री में आ जाते हैं, यानी कि कब्रिस्तान, जहाँ एरोन अपनी टॉय गन से माया का पीछा कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद डिनर का टाइम हो जाता है और एरोन अपनी टॉय गन से माया पर गोली मारने लगता है और दया की भीख मांगने को कहता है। फिर एरोन रुकता है और तभी उनके पिता आते हैं, जो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाते हैं।
जिनके चेहरे के हाव भाव देखकर साफ लगता है कि वो काफी ज्यादा उदास हैं और सदमे से बिल्कुल भी उभरे नहीं हैं। फिर मिस्टर पीटरसन टेबल पर प्लेट्स लगाते हैं और एरोन माया के हाथ से चम्मच छीन लेता है और उसे धक्का देके उसकी प्लेट गिरा देता है। फिर मिस्टर पीटरसन एरोन को जाने को कहते हैं और एरोन जाते वक्त माया की डॉल ले जाता है और उसके पीछे जाने की कोशिश भी करती है, पर मिस्टर पीटरसन उसे रोक देते हैं। फिर खाना खाने के बाद माया उसके रूम में जाती है जो ब्लैंकेट के अंदर रो रहा है। फिर माया अपनी डॉल मांगती है, पर एरोन बोलता है पहले मेरे साथ हाइड एंड सीक गेम खेलो, उसके बाद मैं तुम्हारी डॉल दूंगा, और माया खेलने के लिए राजी हो जाती है। फिर माया अपनी गुड़िया को पूरे घर में ढूंढती है पर उसे नहीं मिलती, जिसके बाद वो अपनी गुड़िया को घर के ऊपर वाले हिस्से में ढूंढती है जिसे वो मिल भी जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो यहाँ से जा ही रही होती है पर पीछे एरोन खड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। फिर वो माया की गुड़िया को नीचे फेंक देता है और गलती से धक्का माया को भी लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है, जो गिरते गिरते एरोन का चेहरा दिख रही है। और ये पूरा सीन हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है और ये सीन देखकर दिल वाकई छलनी छलनी हो जाता है क्योंकि इसमें दुख बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, आप महसूस कर सकते हो। ये सब देखने के बाद मिस्टर पीटरसन को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके सामने से उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ट्रेन की तरह उसकी आंखों के सामने से। और ऐसा ही कुछ मिस्टर पीटरसन को भी दिखता है, पूरी ज़िंदगी उसके सारे अच्छे लम्हे जो उनने जिए थे अपने परिवार के साथ, वो सब उसकी आंखों के सामने ही निकल जाते हैं और उन्हीं के बारे में वो हमेशा सोचता रहा जो कि अब नहीं है उसके पास। खुशियाँ कुछ टाइम की ही होती हैं और मिस्टर पीटरसन की लाइफ में शायद से वो लम्हे ज़्यादा ही कम थे, लेकिन मिस्टर पीटरसन हिम्मत नहीं हारते। वो अपनी बेटी की ज़मीन पर पड़ी लाश को दफनाते हैं अच्छे से और उनको देखकर अब ऐसा लगता है कि उनके अंदर से सभी फीलिंग्स अब पूरी तरह से मर चुकी हैं। और ये पूरी घटना एरोन दरवाजे के पीछे से देख रहा है और यहाँ पर मैं एरोन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एरोन ने जिस तरह की तकलीफें सही वो उसको फेस नहीं कर पाया किसी भी तरीके से और वो अब समाज के लिए एक ऐसा असामाजिक तत्व बन गया है जो किसी के लिए भी सही नहीं है, जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। और यही सब देखते हुए मिस्टर पीटरसन ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया और ये फैसला मेरे हिसाब से उनका सही था क्योंकि वो समाज में या सोसाइटी में किसी के लिए भी सही नहीं है, वो आगे जाके किसी ना किसी का खून जरूर करेगा या किसी को चोट पहुंचाएगा। लेकिन पीटरसन को लगा कि उसे कहीं और भेजने के बजाय मैं बेसमेंट में बंद कर देता हूँ और ये फैसला उनके हिसाब से सही भी है और इसीलिए वो उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। और ऐसा करते हुए निकी रोथ देख लेता है जो मिस्टर पीटरसन का पड़ोसी है और इसके आगे की स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता रखी है, अगर आपने नहीं देख रखी है तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि निकी रोथ को वाकई गलतफहमी थी मिस्टर पीटरसन के बारे में और ये भ्रम भी मेरा इस चैप्टर को देखने के बाद दूर हो गया अच्छे से। मिस्टर पीटरसन गलत नहीं थे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे और वाकई मैं मानता भी हूँ, और अगर आप भी मानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और आपको मिस्टर पीटरसन की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वेल, मैं किसी गेम की स्टोरी से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जो मुझे इस गेम में देखने को मिली। वाकई अगर आप इसके ऊपर एक मूवी बनाओ तो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हो या आप कुछ और शेयर करना चाहते हो हेलो नेबर से रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूलें।
और अगर आपके मतलब का कंटेंट मेरे चैनल पे मिलता है यानी कि रेड गोमर पर, तो हमारी फैमिली में ज़रूर शामिल होएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।